गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू आवर व्यूअर्स. मुझे ऑलरेडी दिख रहा है कि कुछ कुछ लोगों ने कमेंट किया है. थैंक यू फॉर कमेंटिंग. और थोड़ा वेट करते हैं लोगों का ज्वाइन करने के लिए. ओके, आई कैन सी पीपल ज्वाइनिंग. जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स होंगे उनको तो पता ही होगा कि ये हमारी आईपीओ इंटरव्यू सीरीज है. तो जो भी कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है वो उनसे हम बातचीत करते हैं, उनकी मैनेजमेंट टीम से के साथ हम जानते हैं कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, आईपीओ का सिनॉप्सिस भी देखते हैं हम, प्रोसीड्स किस प्रकार से यूज होंगे ये भी हम जानते हैं, इंडस्ट्री के बारे में भी बात करते हैं. तो अगर आपको कैपिटल एसएफबी के बारे में जानना है, उनके आईपीओ के बारे में जानना है, तो हमारा वेबिनार जरूर ज्वाइन कीजिए. मुझे जल्द ही मैनेजमेंट टीम ज्वाइन करेंगी आईपीओ के बारे में बात करने के लिए. ओके, आई कैन सी पीपल ज्वाइनिंग. आप लोग जैसे जैसे ज्वाइन कर रहे हैं हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में एक हाई ड्रॉप कर दीजिए. ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिनॉप्सिस दे देती हूँ आईपीओ का. जैसे मैंने बात की, हम कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की मैनेजमेंट टीम के साथ बात कर रहे हैं. इशू इनका ओपन हो रहा है 7 फरवरी को, 9 फरवरी को ये इशू क्लोज होगा. टोटल इशू की टोटल वर्थ है 523.07 करोड़ रुपीज. ये एक इनका जो फ्रेश इशू है वो 450 करोड़ रुपीज का है. इसमें एक ओएफएस भी है 73.07 करोड़ रुपीज का. लॉट साइज है 32 शेयर्स और प्राइस बैंड सेट हुआ है 445 to 468 रुपीज पर शेयर. मुझे आज ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर सर्वजीत सिंह सामरा, जो कि कंपनी के एमडी और सीईओ है, एंड मिस्टर मुनीश जैन, जो कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीएफओ है. जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. इंटरव्यू शुरू करने से पहले इनफैक्ट मैं मिस्टर जैन से बात कर रही थी. काफी एक्साइटिंग टाइम है आपके लिए. सो मिस्टर सामरा, कैसा आपको फील हो रहा है? हाउ डज इट फील फाइनली इतनी बड़ी बात है आईपीओ इश्यू होना? सो व्हाट आर द फीलिंग्स लाइक? No, it's exciting period, and of course, I think the hard work that you put in, then you come to the market, and then on what have you good you have done or you are doing, के उसके ऊपर ही मार्केट आपको रिस्पॉन्स देती है, और हमें भी रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, और इसलिए ये एक बड़ी एक्साइटिंग जर्नी है. जी डेफिनेटली. तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि आप हमें कंपनी की जर्नी के बारे में कुछ बता सकते हैं और अपनी ऑफरिंग के बारे में हमारे ऑडियंस को अगर बता सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात होगी. हाँ जी, हम लोगों ने 24 अप्रैल 2016 को एज इंडियाज फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का कारोबार शुरू हुआ था. और इससे पहले हम भारत के सबसे लार्जेस्ट लोकल एरिया बैंक थे, जो पंजाब के 5 जिलों में हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशन था, और हम 16 साल लोकल एरिया बैंक रहे इस कन्वर्जन से पहले. तो बेसिक बिजनेस मॉडल के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग बहुत ही ग्रेनुलर और डिवर्सिफाइड हैं दोनों साइड्स बैलेंस शीट के, चाहे हम बात करें एसेट्स की और लाइबिलिटीज की, और अदरवाइज हम एडवांसेस की बात करें या डिपॉजिट की बात करें. और हमारी टारगेट सेगमेंट है मिडिल इनकम ग्रुप. हम जो जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जिधर माइक्रो फाइनेंस लोन्स वगैरह होते हैं, हम उधर नहीं है. वी हैव जीरो डायरेक्ट माइक्रो फाइनेंस एक्सपोजर, और हम एचएनआईज के लिए भी बैंक नहीं है. मैं एडवांसेस की बात करूं तो एडवांसेस हमारी बहुत ही डिवर्सिफाइड और सिक्योर्ड बुक है, और 99.8% जो एडवांसेस हैं वो सिक्योर्ड हैं, और एवरेज टिकट साइज 13 लाख है. जैसे मैंने बताया, कोई भी डायरेक्ट माइक्रो फाइनेंस एक्सपोजर नहीं है, और हम लोग फॉलो करते हैं कि जो भी हमने पैसा दिया है वो सिक्योर्ड है और वो रिकवर हो रहा है. हमारी जो राइट ऑफ और एनपीएस सेल ऑफ पॉलिसी है वो नहीं है. इवन ड्यूरिंग कोविड द एसेट क्वालिटी हैज परफॉर्म इन अ वेरी गुड वे. डिस्पा वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट जीएनपीए इन इन प्राइवेट बैंकिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 21 टू हाफ ईयर एंडेड 24. सो जी, इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आपकी.
और मुझे अभी चलिए आईपीओ के बारे में बात करते हैं। सो क्या आप बता सकते हैं कि जो प्रोसीड्स हैं वो किस प्रकार से यूज होने वाले हैं? मनीष, यू कैन टेक दिस क्वेश्चन। आई जस्ट टेक अप दिस क्वेश्चन। अंचल, जो हम एक बैंकिंग इंडस्ट्री हैं, हम समझते हैं, और अदर बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ के लिए रॉ मटेरियल कैपिटल है। तो हम प्रेजेंटली इस राउंड में फ्रेश कैपिटल बेस्ड राउंड है, प्राइमरीली फ्रेश कैपिटल बेस्ड राउंड। जैसे आपने बताया, 523 करोड़ में से 450 करोड़ पे फ्रेश कैपिटल है जो बैंक के अंदर आएगा, जो हमारी कैपिटल को बढ़ाएगा। और ये प्योरली ग्रोथ कैपिटल बेस्ड राउंड है, जो हम पैसा अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए यूज करेंगे, बोथ इन टू इंक्रीज ओवर बिजनेस, इंक्रीज ओवर स्पीड एंड इंक्रीजिंग ओवर ब्रांच। और ये हमारा टीयर वन कैपिटल का पार्ट बनेगा। जी, ओएफएस के बारे में बता सकते हैं कौन से एग्जिटिंग शेयर होल्डर्स हैं? अगर हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की बात करें, हमारा प्रेजेंट शेयर होल्डर में हमारे पास बहुत अच्छे नेम्स हैं, बड़े मार्किश नेम हैं। हमारा जैसे शेयर होल्डर्स के अंदर हमारे पास है HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, SIDBI, पाई वेंचर, ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड, एमिकस, मैक्स लाइफ। सो दे आर द वेरियस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सिटिंग इन अवर बुक। इस OFS में हमारा सिर्फ 73 करोड़ रुपीज़ का OFS है, जिसमें से थोड़ा सा पोर्शन, जिसे मैं कह सकता हूँ ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड, अपनी होल्डिंग में से 20% होल्डिंग बेच रहा है, इसका मतलब 80% रिटेन कर रहा है। और एमिकस कैपिटल अपनी होल्डिंग का 10% OFS में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब 90% रिटेन कर रहा है। कोई भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्रमोटर इस OFS में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और बाकी थोड़ा सा OFS बाकी अदर शेयर होल्डर्स दे रहे हैं। तो टिपिकली प्योरली ये ग्रोथ कैपिटल बेस्ड कैपिटल राउंड, जो हम अपनी फ्यूचर ग्रोथ को एक्सीलरेट करने के लिए रेज करना चाह रहे हैं। जी, प्राइस बैंड का लॉजिक हमें समझा सकते हैं? प्राइस बैंड सेट हुआ है 445 to 468 पर शेयर। सो हमारी ऑडियंस को अगर आप लॉजिक के बारे में बताएंगे, दैट विल बी ग्रेट। या जो एक प्राइसिंग होती है, वो फंक्शन होता है बुक बिल्डिंग एक्टिविटी का। एज दिस एक्टिविटी हम पिछले एक डेढ़ महीने से बहुत से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को मिले, उनको अपने बारे में बताया, और उसके बेसिस के ऊपर वी कीप ऑन गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम दिस कि वो हमें वो हमें क्या वैल्यू करते हैं उस फीडबैक के बेसिस पे। और हमारे BRLMs, जो हमारे इस डील के अंदर 3 BRLMs हैं, जिसको मैं कहूँगा अनुवामा, डैम कैपिटल एंड इक्विरस, उनसे आप डिस्कशन करने के बाद हमने जो प्राइस बैंड डिसाइड किया। एक बात मैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंटली कहना चाहूँगा कि हम एज एन एंटिटी इस चीज़ के लिए वी कैन से वी आर कमिटेड दैट कि हमारा प्रेजेंट एंड अपकमिंग इन्वेस्टर शुड गेट ए डिसेंट रिटर्न्स। इस चीज़ के लिए मैं इसलिए भी कह सकता हूँ कि जो हमारे पास 2016-17 में फाइनेंशियल इन्वेस्टर आए, उनमें से कोई भी इन्वेस्टर इस समय OFS में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और वो हमारी नेक्स्ट ग्रोथ जर्नी में भी सपोर्ट करेगा। अब अगर थोड़ा सा और मैं प्राइस बैंड के बारे में बात करूं, आज का हमारा जो प्राइस बैंड आया है वो आया है 465 रुपये अपर बैंड, और हमारी पोस्ट मनी बुक वैल्यू है 257 रुपये। इसका मतलब जो PB मल्टीपल के हिसाब से अगर देखें तो 1.81 टाइम्स पे आ रहा है। और अगर हम अपने पीयर्स का देखें, जो हमारे RHP में पीयर्स हैं, उसका ये 2.1.81 ट्रेलिंग क्वार्टर जाते सितंबर 2023 की वैल्यू बेस्ड है, बिकॉज हमारा RHP पे नंबर सितंबर बेस्ड है। तो अगर सितंबर वैल्यू के बेस्ड पे अगर आपने पीयर्स की वैल्यूएशन देखेंगे, जो लिस्टेड पीयर्स हैं जो हमारे RHP में डिस्क्लोज हैं, उनका जो मल्टीपल 2.23 टाइम्स बन रहा है। तो हमारी तरफ से पूरा कोशिश रही है कि इन्वेस्टर्स शुड मेक डिसेंट रिटर्न्स ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड सिंस वी आर लुकिंग फॉर ए ग्रोथ कैपिटल, जो हमारा एक रॉ मटेरियल है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। जी, ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जैसे मिस्टर सामरा, आपने बताया है कि आप मिडिल इनकम ग्रुप को आपके जो टारगेट कस्टमर्स हैं, किस तरह की ग्रोथ, किस प्रकार की ग्रोथ आपको नजर आ रही है इन द कमिंग इयर्स इन द इंडस्ट्री इटसेल्फ? अगर हम जो टारगेट सेगमेंट हम टच कर रहे हैं, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट 100% फोकस्ड टुवर्ड्स मिडिल इनकम ग्रुप, जिसको हम डिफाइन करते हैं 4 लाख इनकम लेवल से लेकर 40 लाख इनकम लेवल से। इंडिया इज एन अ शाइनिंग स्पॉट एंड मिडिल इनकम ग्रुप इन इंडिया इज इवॉल्विंग। एट प्रेजेंट दिस सेगमेंट इज मोर देन 30% ऑफ आर पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, एंड देर आर वेरियस रिसर्च रिपोर्ट्स एंड डेटाज जो ये शो कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में ये बढ़ के 40% होने वाली है। तो हम इसी सेगमेंट को टारगेट करते रहे हैं और इसी को टारगेट करते रहेंगे। ये जो बहुत एक इवॉल्विंग सेगमेंट है, और जो कंट्री में योगदान जो इस सेगमेंट को
कि टू मेक देम गुड एंटरप्रेन्योर्स, टू मेक दिस सेगमेंट सेल्फ सफिशिएंट, हम अपना योगदान इसमें डालते रहेंगे। जी, दैट्स गुड टू नो। जैसे मिस्टर जैन ने भी मेंशन किया है कि कुछ पेयर्स हैं आपके इंडस्ट्री में, और आपने भी बोला है कि आप अपना योगदान अपने टारगेट ग्रुप में डालते रहेंगे टू मेक देम सेल्फ सफिशिएंट। तो मैं पूछना चाहूँगी कि काफ़ी तेज़ी से जैसे आपने कहा ग्रोथ हो रही है, काफ़ी ज़्यादा पेयर्स हैं आपके, काफ़ी कॉम्पिटिशन भी है इस इंडस्ट्री में, तो हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम द कॉम्पिटिशन, आप और कैसे आप डिसाइड करते हैं कि आपको कॉम्पिटिशन से अहेड रहना चाहिए? अगर हम अपने कंपटीशन की जो आपने डिफरेंशियल फैक्टर्स और फैसले आते आपने बात की, हमारे डिफरेंशियल फैक्टर्स, अगर हम अपने डिफरेंशियल फैक्टर्स की बात करें, हमारे डिफरेंशियल फैक्टर्स क्या हैं? पहली बात, हम एक मिडिल इनकम ग्रुप बेस्ड लैंडर हैं। सामराज साहब ने, मिस्टर सामरा ने पहले भी कहा कि हम मिडिल इनकम ग्रुप बेस्ड लैंडर हैं, तो हमारा टारगेट सेगमेंट वेरी क्लियरली आइडेंटिफाइड है कि हम, और हम उसी सेगमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं पिछले काफ़ी समय से। हम एक बैंकिंग कंपनी, हमें एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.5 साल से ज़्यादा समय हो गया है, और इससे पहले हम 16 साल तक लोकल एरिया बैंक थे, तो हमारे पास एक बैंकिंग करने का तजुर्बा और 24 साल से ज़्यादा का हो चुका है, जो कि हमें बताता है क्या चीज़ कैसे करनी चाहिए और कैसे नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगर हम अपनी लाइबिलिटी फ्रेंचाइज की बात करें, जिसको हम सब लोग डिपॉजिट कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा, हम एक रिटेल ओरिएंटेड लाइबिलिटी फ्रेंचाइज है। अगर हम अपना डिपॉजिट के नंबर की बात करें, FY23 में 97.9% ऑफ आवर डिपॉजिट वाज ए रिटेल डिपॉजिट विद ए कासा शेयर ऑफ 41.9%। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, दिस इज ए ट्रू टर्म कासा। ट्रू टर्म से मेरा क्या तात्पर्य है कि हमारा सेविंग बैंक के ऊपर इंटरेस्ट रेट 3.5% है, और हमारा FY23 के अंदर कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 4.9% था, और हमारा डिपॉजिट जो अब बढ़ के सितंबर में 7,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। ये हमारा पहला डिफरेंशियल फैक्टर है। दूसरा डिफरेंशियल फैक्टर, जैसे मिस्टर सामरा ने कहा, हम एक सिक्योर्ड लैंडर हैं। 98.8% ऑफ अवर एडवांस बुक इज ए सिक्योर्ड बुक। एक बात इसमें और ऐड करना चाहूँगा, इसमें से 84% से ज़्यादा की एडवांस बुक में हमारे पास कोलैटरल है इन दिस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मेरा कहने का तात्पर्य है हम ट्रू टर्म सिक्योर्ड लैंडर हैं, और हमारा लैंडिंग बिजनेस टिपिकली 3 प्रोडक्ट के ऊपर रहता है, और ये 3 प्रोडक्ट मिलके अराउंड 80-85% हमारे टोटल पोर्टफोलियो का बताते हैं। ये 3 प्रोडक्ट हैं, MSME जिसको हम कहते हैं व्यापार के लिए लोन, मॉर्गेज जिसके अंदर हाउसिंग लोन और लैप आता है, और एग्रीकल्चर लोन। ये 3 प्रोडक्ट जो हमारे लिए हमारे ग्रोथ के ड्राइवर्स हैं, इन 3 प्रोडक्ट के ऊपर हम काम करते हैं। और ऐसे सामरा साहब ने बताया भी था, मैं उस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगा, हमारी स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फॉलो करते हैं नो राइट ऑफ एंड नो NPA सेल ऑफ पॉलिसी। इस पॉलिसी के बावजूद भी अगर आप हमारा नेट NPA देखेंगे, जो कि अगर हमारा नेट NPA अगर मैं नंबर में बताऊं, तो 1.4% है बिना ऑलमोस्ट 0 write-off ड्यूरिंग द कोविड पीरियड एंड नो NPA सेल ऑफ। उसके बेसिस के ऊपर हमारा नेट NPA अगर मैं नंबर रेशो में बताऊं, तो मार्च में हमारा 1.4, सितंबर में 1.4, 2021-22 में 1.4। तो जो हमारी स्ट्रेंथ बताता है कि इस अनइवन पीरियड के अंदर भी हम ठीक तरह से परफॉर्म कर सके। तो ये हमारे वेरियस डिफरेंशियल फैक्टर्स हैं जो हमें हमारे पीयर से अलग रखते हैं। जी, थैंक यू सो मच। आई एम अफ्रेड दैट्स ऑल द टाइम दैट वी हैव फॉर नाउ, बट मिस्टर जैन और मिस्टर सामरा, आई एम श्योर आप काफी बिजी होंगे, फिर भी आपने हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला और काफी विस्तार से IPO के बारे में डिस्कशन की, और अपनी कंपनी के फ्यूचर और इंडस्ट्री के बारे में भी हमसे बात की। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द IPO, एंड वी होप टू कैच अप विद यू सून टू फिगर हाउ इट वेंट। सी यू सून। थैंक यू अंचल टू मेक इट पार्ट ऑफ दिस शो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।